और ये शुरू हुई हमारी सबसे यादगार यात्रा वेनिस की। वी आर ऑन द वे टू वेनेजिया, द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन यूरोप, मोस्ट हार्ट थ्रोबिंग प्लेस टू सी फॉर दोज कपल्स हु आर मैरिड and want to celebrate their honeymoon in a place like Venice. According to me, this is one of the most loveliest, romantic and very scenic. Mohabbat ke farman, mohabbat ki kahaniyan, mohabbat ke alfaz इस शहर की खूबसूरती को अपने आप बयां करते हैं। आपने देखा, हमने बोलोनिया से अपनी यात्रा वेनेजिया तक तय की और वहां से अब बस आगे नहीं जा सकती। टूरिस्ट के लिए अब इस जगह उतर जाना, टोर्नेटो, ये हमारा पहला फेरी स्टेशन है जहां से ये मैडम खड़ी हैं और ये हमारे दोस्त हैं मेहुल, और हम सब लोग यहाँ पे अपने फेरी का वेट कर रहे हैं। और ये अब फेरी की यात्रा शुरू हो गई है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सेंट मार्को स्क्वायर, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट लवलीस्ट स्क्वायर इन इटली। कबूतर, छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे रास्ते, प्यारे से लोग और बहुत कुछ ऐसा जो हर आदमी अपने जीवन काल में शायद सोच भी नहीं सकता। ये शहर अपने आप में इतनी यादगार, इतनी मोहब्बत, इतनी तन्हाई, सब कुछ लेके जी रहा है और जीता आ रहा है। ये कलाकार जो जहाज के पंखों को ठीक कर रहा है, ये वो शिप है जो शाम को अटलांटिक ओशन की तरफ रवाना होगी। और ये छोटी शिप, छोटी बोट आप जो देख रहे हैं, इसमें हमारी तरह ही यात्री आनंद ले रहे हैं वेनिस की यात्रा का। हम सेंट मार्को स्क्वायर की तरफ अब रवाना हो चुके हैं। धीरे धीरे ये विशाल जल सागर हमें हमारी मंजिल की तरफ पहुंचा रहा है। खूबसूरती तो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती और आप इसे ऑलरेडी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मैं ऐसा चाहता हूं कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में मोहब्बत की परिभाषा जानता है, उसको वेनिस जरूर देखना चाहिए। इतना खूबसूरत है ये शहर, इतने खूबसूरत है यहाँ के लोग, इतनी खूबसूरती है यहाँ के बिल्डिंगों में, यहाँ के रहने सहने के तौर तरीके, ढंग, और बड़ा ही अजीबोगरीब माहौल है जो शायद हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलता। लोग पानी में जिंदगी जीते हैं, हम सड़कों में जिंदगी जीते हैं। इन दो चीजों का मिलन एक साधारण आदमी कभी इस चीज पर विचार नहीं कर सकता जो आज हम देखने के लिए यहां पे आए हैं। और आप भी मेरे साथ इस यात्रा में, हमारे पूरे ग्रुप के साथ इस टूर का एंजॉय करें। देखिए, एक अकेला नाविक कैसे नाव चलाते हुए आ रहा है, उसको अपने जीवन की कोई भी परवाह नहीं है। और वो सागर की उन लहरों से, ये पक्षी भी सागर की लहरों का आनंद ले रहे हैं। हर आदमी अपनी मौज, अपनी मस्ती, अपने रंग में डूबा हुआ है। सागर धीरे धीरे हिलोरें लेता हुआ हमारी नाव को धीरे धीरे सेंट मार्को स्क्वायर की तरफ ले जा रहा है। वहां पहुंचने के बाद
नज़ारा कुछ शायद यहाँ से बहुत ही अलग होगा। ये तो हम आपको दिखाएंगे अपने आगे के वीडियो रिकॉर्डिंग में। यहाँ हमारे साथ मेरे कई फ्रेंड हैं जो इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हैं, और हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हम वास्तुकला, भगवान की कृपा, समुद्र और शानदार कंस्ट्रक्शन का मिलन, ये बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है, और बला की खूबसूरती बटोर रखी है इस शहर ने अपने आप में। शब्दों पे तो अच्छे अच्छे लोगों ने इसको बयान ही किया, चित्रकारों ने अपनी चित्रकारिता की पूरी प्रतिभा निचोड़ कर रख दी, लेकिन आज भी वेनिस शहर की व्याख्या लिखी जाती है। ये सेन मार्को स्क्वायर के बहुत करीब अब हम पहुंच चुके हैं। लगभग सागर के बीच बसा हुआ ये शहर अपने आप में बहुत खूबसूरत है, मेरे पास शब्द नहीं है। ये है सेन मार्को स्क्वायर का बहुत क्लोज लुक। अब हम थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद मैं अपने मित्र मिस्टर संजय कॉल को अपना वीडियो दे दूंगा, आगे की रिकॉर्डिंग आप संजय कॉल जी की सुनेंगे, लेकिन शायद ये यात्रा हमारे अपने पूरे ग्रुप के साथ सबसे यादगार, सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर होगी, ये मुझे पूरा अनुमान। अब हम जो अपने वेनिस की बाइलेंस है उसके बीच से गुजर रहे हैं, और आपको मैं आंखों देखा हाल अपने साथ में ले जाते हुए दिखाता रहूँगा। यहाँ पे आपको यूरोप के विभिन्न देशों से आए हुए सब लोग मिलेंगे। हमारे साथ जो मिश्रा जी से साथ में चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान से यहाँ मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार आए हैं। देखिए बिल्कुल जितेंद्र के माफिक लग रहे हैं, जुल्फे उन्हीं की तरह है। मुझे एक बात बताइए, यही सैन मेरिनो स्क्वायर है? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, यही सैन मेरिनो स्क्वायर है। और जो ये जो बाजार का एरिया है, हाँ जी, वो यही है क्या बाजार का एरिया? बिल्कुल, यही जो मेन मार्केट है, जो मॉल आप देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए, आपको यूरोप के हर, लेटिन अमेरिका से लेके यूरोप के हर भिन्न प्रांत के लोगों का आपको यहाँ पे आगमन मिलेगा। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का बस स्टॉप है,
यहाँ पे जिस तरह हमारी DTC बसें आती है उस तरीके से ही। हाँ ये हमारे ये तो मेरे ख्याल से फेरी स्टॉप होगी। हाँ जी बिल्कुल फेरी स्टॉप है। देखिए जैसे जैसे अपना दिल्ली की भी या मुंबई की भी जैसे बस बेस्ट वाली बसेस चलती है ऐसे यहाँ पे फेरी वाले जो है वो अपनी वो लेते हैं। अब ये देखिए ज़रा यहाँ पे एक बढ़िया सा ये रेस्टोरेंट है। ये मकानों में फूल लगाने का जो तरीका है ये हमने यूरोप में बहुत अजीब होगा। ये पहली बात सवाता और जोरांडा करके रेस्टोरेंट है। आप ये देखिए बिल्कुल देखिए कितने बढ़िया खूबसूरत फूल आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो फूल हैं ये बिल्कुल जैसे स्विट्ज़रलैंड में है उसी तरह से ये सब लोग जो है यहाँ पे अपने बढ़िया बढ़िया तरीके से ये सब बनाते हैं। ये हमारे गुप्ता जी हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं। हमारे चंद सबसे बढ़िया बेडरूम में से हैं। ये भी अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच ये खैर बसा हुआ है। आइए मैं आपको और आगे ले जाता हूँ। अच्छा अब आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ के चित्रकारों के बीच में जो अपनी अभी हमारे मिश्रा जी चित्र अब जितने भी बना रहे हैं इनको बहुत बढ़िया तरीके से मिश्रा जी इनको सहार रहे हैं। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया खूबसूरत से चित्र बनाए हुए हैं। ये तस्वीर बहुत बढ़िया है और मिश्रा जी देखिए अभी उससे बात कर रहे हैं सज्जन से और उनसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कॉस्ट है इसका। मिश्रा जी इन्होंने कितना दाम बताया है इस पेंटिंग का। हाँ मिश्रा जी कितना दाम बता रहे हैं। ये 170 यूरो बता रहे हैं इसकी। 170 यूरो हमारे अपने हिंदुस्तानी रुपए में कितना हुआ। वही कोई मोटा मोटी 6000 रुपये की देखिए पेंटिंग लियोनार्डो विंसी वाले जो मुल्क से ये सब लोग हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है इन्होंने। दुनिया भर की हसीन चित्रकारी का नमूना जो है आपको इन जगहों पे मिलेगा। अब देखिए ज़रा ये अभी चित्रकार हैं जो खूबसूरत तरीके से चित्रकारी का नमूना आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये खूबसूरत जो वेनिस के देश में ये गंडोला वगैरह और ये पूरा चित्रकारी जो ये करते हैं उनका एक बहुत आपको सदट। आप देखिए इनका नमूने के तौर पे मैं जो ये चित्रकार है इनका चेहरा हमारे को सामने से दिख नहीं रहा। हम पीछे से खड़े हैं इनके। इनका ज़रा मैं नमूने आपको दिखाता हूँ। हमारी मैडम है जो बिल्कुल बगल में बैठी हैं वो भी देख रही हैं इन चित्रों को निहार रही है। आप देखिए कितने खूबसूरत सी पेंटिंग्स इन्होंने बना रखी है। एक मिनट आपको मैं इसका नमूना ये दिखाऊंगा। आप देखिए एक एक चित्र को कितनी खूबसूरती से इन्होंने तराशा है और ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया पहलू है इनकी आर्ट का। आप ये देखिए कितने खूबसूरत से पेंटिंग इन्होंने बनाई है। अब देखिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम जितने भी ये टूरिस्ट गन हैं ये विभिन्न प्रकार के मुल्कों से यहाँ आए हुए हैं और अपने टूर गाइड के साथ में गुजर रहे हैं। इन द मीन टाइम अभी अपने को ज्ञात हुआ है कि मिश्रा जी जो है बिल्कुल सड़क के सामने एक जो यहाँ पे नामी चीज़ें हैं जो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे बनाई जाती है इन सबको मास्क कहते हैं जो यहाँ पे ये डांस वगैरह के लिए इनकी ये प्रजाति की बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। आप ये देख रहे हैं ना कितने बढ़िया चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिश्रा जी अमृत दुगर जी और मैडम सब अभी शैलेश भाई भी सामने से गुजरे हैं। अमित जी बिल्कुल साथ में बगल में खड़े होके बढ़िया तरीके से इसका परीक्षण कर रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ क्लिक होता है यहाँ पे या नहीं। मेन चीज़ है जो ये इनके नकाब है। अब ये देखिए कितने खूबसूरत नकाब है। इन नकाबों को पहन के ये लोग अपने बाले वगैरह डांस में जाते हैं। अब जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये बिल्कुल एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। आप यहाँ पे देखिए लोगों का आना जाना आगमन बिल्कुल बरकरार है और साथ ही में हमारे मिश्रा जी और हमारी बाकी टीम सभी सदस्यों को आगे लेते हुए जा रहे हैं। ये अभी हमारा वेट कर रहे हैं। अब मैं उनको इशारा कर रहा हूँ आप चलिए आगे। हम पीछे पीछे उनके आ रहे हैं साथ में आपको दिखाते हुए यहाँ पर कैसी मंजिलें हम तय करने वाले हैं आने वाले कुछ पलों में। ये पूरा दिन जो है हम वेनिस में बिता रहे हैं और बढ़िया तरीके से आपको वेनिस की खूबसूरती के बारे में आपको बार बार जो भी बढ़िया माइलस्टोन आती है आपको बताते रहेंगे आपको ज्ञात करवाते रहेंगे। धन्यवाद। अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये विभिन्न हंसाते हुए गुदगुदाते हुए चेहरे हैं जो इधर बैठे हुए आर्टिस्ट ने हमारे सब लोग इनसे रेट वगैरह तय कर रहे हैं। आपको मैं ये चेहरे दिखाऊँगा थोड़ा नज़दीक से। अभी क्या है कि हमारे सारे चंद जो है वो यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं। अब ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत चेहरे बना रखे हैं। ये देखिए आपको देख के हंसी आएगी। चाचा चौधरी जैसी पूछे हैं आदमी जी।
कि ये एक बहुत बड़ा कलाकार है। ये अब मेरे दोस्त संजय कौल की एक कार्टून चित्रकारी बनाएगा और इसने पहले भी कई नमूने बना रखे हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन पर। ये हमारे तरीके कोई विस्टर होंगे जिसकी शक्ल इसने बनाई है और अब ये मेरा दोस्त 10 यूरो खर्च करके अपने चेहरे की विचित्रता को बनाएगा। ये देखिए वो ये बैठा हुआ है, इसको हम सब निहारेंगे, ये हम सब ये अभी ऐसे दिख रहे हैं और जब इनकी फ़ोटो बन जाएगी तब ये कैसे दिखेंगे वो हम देखेंगे। अभी आधी बनी हुई तस्वीर अभी यूँ दिख रही है, थोड़ी देर बाद उसकी आँख और नाक वगैरह को पूरा शेप देगा ये बंदा। ये कह रहा है हंसो, मेरा दोस्त बेचारा सीरियस हो गया घबराहट के बारे की मैं कैसा दिखूंगा। घबराहट में नहीं, वो कहीं खोखला कोई चेहरा बना दे तो तकलीफ हो जाएगी। ये ऐसे ही रहा जैसे वो हार के लक्ष्मण के आते। दिस इज अ स्किच आप ओके। ये वो मेरा दोस्त है और ये उसके ओरिजिनल शक्ल बना दिया यार, ये बनाई हुई शक्ल है। आप देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटी है, बच्चे डर जाएंगे। अभी आप देखिए ये मिश्रा जी सामने बैठे हैं और आप हम सब जन इनकी तस्वीर जो है अपने सामने मुख अपने देख रहे हैं और ये चित्रकार हमारे सामने बैठे हैं जो इनका नमूना जो है देखिए किस खूबसूरती के साथ में इनके ये जुल्फे बनाई हैं और अभी इनका चेहरा से ये देखिए इनकी जुरियाँ जो हो रही है, बुढ़ापे की जो निशानी आ रही है वो कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया। नाक जो बनाया वो टिंटी ने कॉमिक आया करती थी उस तरह का इन्होंने इनका खूबसूरत सा नाक बनाया है और ठोड़ी जो है वो बिल्कुल नाक से थोड़ी बड़ी दिख रही है। कान भी बढ़िया बनाया, मस्त बनाया। बाल जो है थोड़े बिखेरे से है और कलम भी बहुत बढ़िया बना दिए। अभी इनके खोपड़ी के जो पीछे वाले बाल हैं उनको बढ़िया तरीके से तराश रहे हैं। अभी जो अगली वाली जुल्फे हैं वो थोड़ी तराश रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा चित्र इनका बनाया जा रहा है। अब इस महारता का जिस खूबी से आदमी ने जो हमारे चित्रकार हैं, अब देखिए एक फिरंगन भी आई है जो इनको बहुत बढ़िया तरीके से निहार रही है। ये मिश्रा जी के सामने बैठ के देखिए मिश्रा जी का चित्र को कितनी बढ़िया तरीके से निहार रही है। इनके साथ में इनका बॉयफ्रेंड भी है एंड ही इज वेरी हैप्पी। ही इज टेलिंग मिश्रा कि लुक एट द वे दिस गाय ही इज मेड योर पेंटिंग ब्यूटीफुल, हैट्स ऑफ टू दिस गाय हु मेक्स एन इनक्रेडिबल यू नो पेंटिंग। अभी अभी देखिए हमारे बिल्कुल बगल में विकास जी बैठे हैं जो कह रहे हैं कि मिश्रा का चेहरा थोड़ा मिलता जुलता हनुमान जी जैसा हो रहा है, बट अपन उसके उनके साथ में मुत्तफिक नहीं है। अब आप देख सकते हैं मिश्रा जी की आंखों के ऊपर ये थोड़ा अपना हाथ चला रहे हैं, कितनी खूबसूरत आंखें बनाई हैं इनकी। ऐसा लगता है इनकी आंखों को ही बस देखते रह जाएं, इतनी खूबसूरती से इनकी आप आईब्रो बना रहे हैं। नाक के आगे जो बाल हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके निहार रहे हैं। हाँ। ये जो आप देख रहे हैं सितारा, इसमें हनीमून कपल के लिए फ्लावर वगैरह सब लगाया गया, ये इसमें रात गुजारी जा चुकी है ऑलरेडी। इसमें उनके लिए छोटा सा एक केज होता है आगे जो आप गुलदस्ते के आगे देख रहे हैं। ये देखिए ऐसे लोग मजा करते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ है इसको गंडोला कहते हैं और ये यहाँ के गाते बजाते हुए लोग जो है आप देखिए कितने आनंदित होके जा रहे हैं। ये वेनिस शहर की बहुत खूबी है, आप देखिए किस तरीके से ये मनोरंजन करते हुए ये व्यक्ति गा रहे हैं बजा रहे हैं। गंडोला जो है अगर आपको याद होगा अमिताभ और जीनत अमान वो भी एक ज़माने में गैम्बलर जैसी भूमि में इन्हीं गंडोला की राइड करके बहुत नाम कमाया था, बहुत शोहरत पाई थी और ये वही जगह है वेनिस और ये वही गंडोला है जिसमें उन लोगों की शूटिंग हुई थी और ये वही बाई लेंस है। यहाँ पे क्या है कि सड़कों की जगह पे आपको हर जगह समुंदर का पानी ही दिखेगा। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत वादी है, ये इतनी बढ़िया खूबसूरती का जो आलम है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हनीमून कपल्स जितने भी इस बाग से आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो वेनिस जैसी जगह पे आके अपना भरपूर प्यार का अनुभव जो है ले और साथ में एक दूसरे को प्यार का जो इजहार है वो इस जगह पे आके बखूबी दे। लोग यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड जाने की जगह वेनिस जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप देखिए कितने बढ़िया खूबसूरती से ये नाविक जो है
अपनी नाव चलाते हुए गंडोला आ रहा है। अब देखिए मिश्रा जी अब खड़े हैं और मिश्रा जी बिल्कुल उस जगह के सामने खड़े हैं जो मैं अभी आपको तस्वीरें दिखा रहा था। देखिए उनका अभी हंसा हुआ चेहरा जो नेचुरल है वो दिखा था, ब्लैक एंड व्हाइट तो अभी आपको हमने उनका कैरिकेचर दिखाया था, कितना खूबसूरती से हंस रहे हैं। मिश्रा जी जो है अपने जो अपने वाजपेयी जी हैं उसी तरह की हंसी है, उसी तरह का डबल चिन आ रहा जा रहा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप उसी तरह का चेहरा इनका देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हम दूसरे छोर की तरफ आ गए हैं इसी ब्रिज के, और यहाँ पे आप देखिए कितनी खूबसूरत ये इमारतें हैं सामने, ये सारी की सारी चर्चेज है यहाँ की, और पानी के बीच में ये सारा का सारा शहर है। और ये देखिए छोटी छोटी प्राइवेट बोट्स है, ये सामने गोंडोला हमारे आगे खड़ा हो गया है, इनकी ये पार्किंग लॉट्स है, जैसे हमारे यहाँ में पार्किंग प्लॉट्स होते हैं इनके भी ये पार्किंग जगह है, लकड़ी के बड़े बड़े खंभे हैं जिनसे ये अपनी किश्तियों को बांध के रखते हैं। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, ये मौलिक जी अपने लगे हुए हैं वीडियो कैमरा से, मैडम जी भी सामने खड़ी हैं, और अब देखिए रश कितना बढ़िया बढ़ता चले जा रहा है, और यहाँ पे आपको हर प्रजाति के लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, क्या देसी क्या विदेशी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा अब हम आपको जो मेन यहाँ का सेंट्रल जगह है इसको सेंट मैरिको जगह कहते हैं। अब देखिए कितने खूबसूरत है, जैसे अपने इंडिया गेट के ऊपर और गेटवे ऑफ इंडिया पे आप कबूतरों का सिलसिला देखेंगे। अब देखिए कितने खूबसूरती से ये सब कबूतर जो हैं इन सब